भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 25 दिसंबर को जन्म दिवस है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक छोटे से गांव में हुआ था। देश की राजनीति में सक्रिय रहे अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे नेता होने के साथ साथ वे एक मंझे पत्रकार और कवि भी थे। वे कविता के जरिए हर बात को बेबाक अंदाज से कह दिया करते थे। आज 25 दिसंबर को देश भर में उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसे भारत सरकार सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। बिहार की पड़ोसी राज्य झारखंड के लिए दिन बेहद खास है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो शायद झारखंड राज्य का निर्माण नहीं हुआ होता। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने व्यवहारिक राजनीति के बदौलत ही एक झटके में झारखंड समेत 3 राज्यों का निर्माण कर डाला। कहीं भी विरोध की एक आवाज तक नहीं उठी। बिहार का विभाजन कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बिहार के विभाजन के विरोध में थे। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते यहां तक ऐलान कर डाला था कि अगर बिहार से झारखंड को अलग किया जाता है तो उनकी लाश पर ही बिहार का विभाजन होगा। जब अलग झारखंड राज्य बना तो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, लेकिन वाजपेयी की समावेशी राजनीति और रणनीति के कारण ही लालू की एक नहीं चली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की खासियत थी कि वह राजनीति में व्यवहारिक आम राय बनाते थे। यह उस वक्त भी साबित हुआ था जब उनकी सरकार में शांतिपूर्ण ढंग से 3 नए राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश और झारखंड को बिहार से अलग कर राज्य बनाया गया था। देश की आजादी के समय से ही अलग झारखंड राज्य निर्माण की मांग होती रही। झारखंड नामधारी दलों के आंदोलन के दौरान कई बार ऐसा लगा कि अब राज्य का निर्माण होने ही वाला नहीं है, लेकिन झारखंड नामधारी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार से समझौता कर राज्य निर्माण की मांग को ठंडे बस्ते में डालते रहे। लेकिन भाजपा को मौका मिला तो वादा पूरा कर डाला। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। 1984 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई। इसके बाद झारखंड क्षेत्र में भाजपा का जनाधार बढ़ाने के लिए यहां के नेताओं इंदर सिंह नामधारी और समरेश सिंह ने अलग अलग झारखंड राज्य की मांग को भारतीय एजेंडे में शामिल किया। इस सुझाव को भाजपा ने अपने एजेंडे में जैसे ही लाया कि उनका जनाधार झारखंड में बढ़ता चला गया। आपको बताएं, झारखंड की स्थापना में बड़ी भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी की रही। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में झारखंड क्षेत्र की 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन चुके थे। इसके बाद भाजपा ने अपना वादा पूरा निभाया। इनकी जीवनी के बारे में आगे पढ़ने पर पता चलता है, अटल बिहारी वाजपेयी छात्र जीवन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे, तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते रहे। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत 1942 में उस समय की थी जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई 23 दिनों के लिए जेल गए थे। सन 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ था। उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ रही। अटल बिहारी वाजपेयी 1968 से 73 तक भारतीय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आगे पढ़ने पे पता चलता है, 1955 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी को जनसंघ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से लड़ाया, लेकिन वे लखनऊ और मथुरा से चुनाव हार गए और बलरामपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी
दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 मार्च 1998 से 10 अक्टूबर 1999 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालने का काम किया। आखिरी बार 10 अक्टूबर 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। 2004 से ही अटल बिहारी वाजपेयी ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण सक्रिय भारतीय राजनीति से संन्यास ले लिया। लंबी बीमारी के चलते अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। तो ये कहानी थी अटल बिहारी वाजपेयी की।